औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए गुजरात की सियासी गलियारों से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ, गुजरात के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो इलेक्शन वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे थे, वहाँ के उपचुनाव में अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ पर धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए वहाँ की सियासत में फिर से एक मरतबा अपना दबदबा वहाँ पर कायम रखने का उन्होंने काम किया है। जी हाँ, गुजरात के उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा कर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर सुपड़ा साफ किया है। जी हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ के उपचुनावी दंगल में मजलिस ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और वहाँ पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी कामयाबी से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को नाराज़गी का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से इस उपचुनाव के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ की सियासी गलियारों में फिर से एक मरतबा अपना दबदबा और अपना कद वहां पर बढ़ाया है और आने वाले हर छोटे बड़े इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहां से फिर से अपनी सियासी सफ़र का आगाज करेगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर वहां पर साबिर काबुलीवाला साहब ने अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारा था और आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को हरा कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहां पर धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहां पर अपनी जीत को एक बेहतरीन तरीके से वहां पर उन्होंने जीत कर एक नया जज्बा मुसलमानों के अंदर पैदा किया है। तो आप सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को गुजरात के सियासी दंगल में मजबूती के साथ आगे बढ़ाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की इस जीत का सर का जो सहरा है वो आवाम के सर पर बांधा जाए। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें। मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने जानने पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।